के लिए बड़ी बहुत बड़ी दुआ है बेटा। ये आपके लिए बेटा हर वक्त दुआएं हैं, ठीक है जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप पाकिस्तान T20 टीम के कैप्टन बाबर आजम से काफी ज्यादा मोहब्बत रखते गए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाबर आजम काफी अच्छे रिकॉर्ड के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और यहां पर विराट कोहली के लिए बहुत बड़ा खतरा सामने, बल्कि कंफर्म चांसेस हैं कि ये रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा। ये कौन सा रिकॉर्ड है, इसी रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली मरतबा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय भी आप लोगों ने जरूर देनी। आपके ख्याल में बाबर आजम बहुत अच्छे खिलाड़ी है या फिर विराट कोहली, आप लोग कॉमेंट्स में बता सकते हैं। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं जिस तरीके से मैं करता हूँ, उस तरीके से करना चाहते हैं, तो एक बढ़िया किस्म का एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ूंगा, आप जाकर जरूर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। जी तो जनाब, बाबर आजम साहब जो के पाकिस्तान T20 टीम के कैप्टन है, उनको सिर्फ 95 रन चाहिए। बाबर आजम विराट कोहली का एक और रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रही है क्या? बिल्कुल सही सुन रहे, क्या सिर्फ 95 रन की उनको जरूरत है, जबकि वो 1500 रन कंप्लीट कर लेगा अगर ये दो इनिंग्स में बना लेते हैं। क्योंकि किंग कोहली साहब ये 39 इनिंग्स में कारनामा सर अंजाम दे चुके हैं, 1405 रन अभी हैं बाबर आजम के 36 इनिंग्स में, जबकि विराट कोहली साहब 39 इनिंग्स में ये कारनामा सर अंजाम दे चुके हैं कि 39वीं इनिंग्स में उन्होंने 1500 रन कंप्लीट किए थे इंडिया की जनब से T20 फॉर्मेट। लेकिन अब बाबर आजम साहब अगर 95 रन स्कोर कर लेते हैं अगली आने वाली तीन इनिंग्स में या फिर दो इनिंग्स में, तो बाबर आजम ये रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, बल्कि बाबर आजम के फैंस के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और इंडियन मीडिया को तो आप लोग को पता है बाबर आजम को किस तरीके से लेकर चलता है। अगर हम बाबर आजम के कैरियर की बात करते हैं तो अभी तक 36 इनिंग्स में 1405 रन स्कोर कर चुके हैं, 50.17 उनकी एवरेज है, जबकि 1250 भी वो स्कोर कर चुके हैं। टॉप स्कोर की बात करते हैं तो 97 रन उनका टॉप स्कोर है। अगर वो अगली आने वाली तीन इनिंग्स में ये रिकॉर्ड बनाते हैं तो कोहली के बराबर कर देंगे, जबकि अगर दो इनिंग्स में बनाते हैं 95 रन तो ये रिकॉर्ड ब्रेक भी कर लेंगे। जबकि किंग कोहली की बात करते हैं तो अभी तक वो 78 T20 मैचेस खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 2699 रन स्कोर कर रखे हैं, 52.72 उनकी एवरेज है। अगर हम 50s की बात करते हैं तो 24 50s वो स्कोर कर चुके हैं। टॉप स्कोर की बात करते हैं तो 94 रन से उनका टॉप स्कोर है। तो जनाब, बांग्लादेश के खिलाफ आने वाली T20 सीरीज जो के 24 जनवरी से स्टार्ट होने जा रही है, उसमें बाबर आजम ये कारनामा सर अंजाम दे सकते हैं, बल्कि मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह जरूर ये रिकॉर्ड बन भी जाएगा। बाबर आजम की जिस तरीके की परफॉर्मेंस है, बाबर आजम ये जरूर कारनामा सर अंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा भी बाबर आजम ने कई ऐसे रिकॉर्ड है जो कि किंग कोहली के वो तोड़ चुके हैं। एक और रिकॉर्ड टूटने जा रहा है, इंशाल्लाह ये जरूर टूट जाएगा। बाबर आजम के लिए कोई प्यारा सा जुमला भी आप लोगों ने जरूर से कॉमेंट्स में लिखना है। अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं जिस तरीके से मैं चाहता हूं, उस तरीके की जबरदस्त किस्म के एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जरूर से जाकर डाउनलोड कीजिएगा। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हम सब का हामी हो।